नमस्कार, आप सभी जानते हैं कि आज हमारा हिंदी सेशन का पहला लेशन है। हमारा लेशन है कर्ण का जीवन दर्शन, जो एक खंड काव्य है और जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आप सब कर्ण को जानते होंगे कि दानेश्वर कर्ण। तो कर्ण का जीवन दर्शन कैसा था, बराबर उसके बारे में हम आज जानेंगे। और जब महाभारत का युद्ध होता है तब पांडव और कौरव के बीच में कर्ण कौरवों का साथ देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे समझाने के लिए जाते हैं कि तू अधर्म का साथ दे रहा है, तुझे पांडवों का साथ देना चाहिए। तब उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है उस संवाद को यहाँ रामधारी श्री दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। वो संवाद जानने से पहले हमें कर्ण के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी मिले वो आवश्यक है। तो आप सभी ने अभी महाभारत सीरियल भी देखी होगी, उसमें आप कर्ण के कैरेक्टर से परिचित होंगे, बराबर। तो कर्ण का पहले तो जन्म कैसे हुआ था, कर्ण की माता कौन थी, कुंता। तो कुंता माता सूर्यदेव की बड़ी श्रद्धा के साथ उपासना करती थी। तो सूर्यदेव एक दिन प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। तब कुंता माता उससे क्या वर मांगती है कि मैं जब चाहूँ तब आप जैसा एक यशस्वी पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। तब सूर्यदेव तो उसे तथास्तु कह के चले जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद कुंता को अपने वर पे शंका होती है कि क्या सचमुच में मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो वो अपने हाथ जोड़कर सूर्यदेव की प्रार्थना करती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए वर मांगती है। तब उसे अचानक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कुंता अविवाहित थी तो समाज में उसकी निंदा होगी, इस वजह से वो कर्ण को एक कटोरी में बिठाकर नदी में बहा देती है, बराबर। वहाँ उसके वो बहता हुआ कर्ण किसको मिलता है, अधिरथ। अधिरथ कौन था, भीष्म पितामह का सारथी था और उसकी पत्नी का नाम राधा था। जब वो नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे तब एक छोटे से नवजात शिशु को बहते हुए आता देखकर उसे गोद ले लेते हैं और उसे अपना पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगते हैं। तभी से कर्ण को त्याग का सामना करना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि कर्ण के साथ जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक बहुत सारे अन्याय का सामना करना पड़ता है। अब धीरे धीरे कर्ण बड़ा होने लगता है, बराबर। तो जैसे पांडव विद्याभ्यास करने के लिए गुरु द्रोण के पास जाते हैं, तब कर्ण भी गुरु द्रोण के पास विद्याभ्यास के लिए जाते हैं कि गुरुजी मुझे भी विद्याभ्यास सिखाइए, मुझे भी धनुर्धारी बनना है, मुझे भी अर्जुन के जैसे धनुर्धर बनना है। तो गुरु द्रोण उसे कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ किसे विद्या देता हूँ, सिर्फ क्षत्रियो को विद्या देता हूँ, तू तो एक सारथी पुत्र है। ऐसे निंदा करके कर्ण को निकाल देते हैं। तब से कर्ण के मन में ऐसी अविन्दना आ जाती है कि यार मनुष्य जन्म से ऐसे थोड़ी महान होता है, वो तो अपने कर्म से महान होता है। तब वो प्रण लेता है कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा धनुर्धर बनूंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। ऐसे धीरे धीरे कर्ण बड़ा होने लगता है। जब आप जानते हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर होता है, बराबर, द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तो पांडव तो अज्ञातवास में थे। तब दुर्योधन के साथ कई आजू बाजू के कई बड़े बड़े राजाओं द्रौपदी के साथ विवाह के उद्देश्य से आए होते हैं। तो विवाह में कौन सी शर्त रखी गई थी कि जो पानी में देखकर आकाश की मछली को विन देगा उसे द्रौपदी के साथ विवाह करने का अवसर प्राप्त होगा। तो कर्ण जब धनु उठाने जाता है तब द्रौपदी भी उसके साथ अन्याय करती है कि नहीं, तू एक सारथी पुत्र है, मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकती, बराबर। तब भी उसके साथ अन्याय होता है। जब पांडव विद्याभ्यास पूर्ण करने के बाद अपने अपने विद्याभ्यास का परिचय देने के लिए अपने राज्य में आते हैं, तब भीम अपनी गदा का परिचय देता है, अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का परिचय देता है। तब अर्जुन की धनुर्विद्या को देखकर सब कहते हैं कि नहीं, अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं। तब कर्ण उसे ललकारता है और कहता है कि नहीं, तुझसे अच्छा मैं धनुर्धारी हूँ। तब अपना परिचय देने के लिए वो अर्जुन के साथ मुकाबला करना चाहता है, लेकिन वहाँ भी उसे मुकाबला करने नहीं दिया जाता और कहते हैं कि तू सारथी पुत्र है, क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय ही मुकाबला कर सकता है। तब उसका मित्र दुर्योधन उसे अंगराज उसे दान में दे देता है और कहता है कि आज से कर्ण तू अंग देश का राजा। तब से कर्ण को दुर्योधन के प्रति अनिष्ट गढ़ मित्रता हो जाती है। दुर्योधन को वो अपना सर्वस्व मानता है और वहाँ प्रण लेता है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे में अब क्या होता है, महाभारत का युद्ध निकट आता होता है, बराबर। तब महाभारत का युद्ध निकट आता है तो कर्ण कौरवों के पक्ष में दुर्योधन के साथ साथ देता है, बराबर। तो कृष्ण जानते थे कि कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धारी है और वो पांडवों में ज्येष्ठ है और उसके साथ जन्म के साथ ही सूर्यदेव ने उसके वरदान में क्या दिया था, कवच और कुंदन दिया गया था।
जो कवच और कुंडन को कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता, बराबर। तो कृष्ण जानते थे, तो कृष्ण उसे समझाने के लिए जाते हैं कि कर्ण तू अधर्म का साथ दे रहा है, बराबर, तुझे पांडवों का साथ देना चाहिए, और तू जानता नहीं कि तू किसका पुत्र है, कुंटा का पुत्र है, तू ज्येष्ठ पांडव है। कर्ण को जानकर बहुत दुख होता है कि जब मुझे मेरी माँ की ज़रूरत थी, मैं जन्म से ही महान हूँ, मैं पांडव हूँ, फिर भी मुझे त्याग कर दिया जाता है, फिर भी वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। अब कर्ण के कवच एंड कुंडल जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकते, इसलिए इंद्र को चिंता होती है। क्यों? क्योंकि इंद्र अर्जुन को अपना पुत्र मानता है और इंद्र ही उसे धनुर्विद्या में नए नए अस्त्र और शस्त्र देता है। तब इंद्र कर्ण के सामने एक ब्राह्मण का वेश धार करके आता है, बराबर, और उसके कर्ण का एक प्रय था कि अगर वो स्नान के बाद जब भी उसके सामने कोई भी आए तो दान के स्वरूप में वो कुछ भी, जो भी कुछ दानेश्वरी कुछ भी मांगेगा तो वो दे देगा। तब इंद्र उसके सामने ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडन दान में दे दो। कर्ण जानता था कि ये ब्राह्मण के वेश में इंद्र था, लेकिन उसका प्राण तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने प्राण से बंधा हुआ था कि चाहे जो कोई अपनी जान भी क्यों ना मांग ले, लेकिन वो दे देगा। तब वो अपना कवच और कुंडन इंद्रदेव को दान में दे देता है। जब महाभारत का युद्ध होता है, बराबर, जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे तो कर्ण को आने नहीं देते, कहते हैं कि जब तक मैं कौरवों का सेनापति हूँ, कर्ण युद्ध में शामिल नहीं होगा, वहाँ भी उसके साथ अन्याय होता है, कर्ण को हर बार अन्याय का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब अर्जुन भीष्म पितामह को बाण की शैया पे लेता रहता है, तब दुर्योधन किसको बनाता है सेनापति? कर्ण को बनाता है। कर्ण सारे पांडवों पर भारी था, बराबर, और उसने कुंटा माता को एक वचन भी दिया गया था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी की पांडवों को मैं नहीं मारूंगा, यानी चारों पांडवों को वो जीवन दान दे देता है। लेकिन जब उसका सामना अर्जुन के साथ होता है, बराबर, जब उसका सामना अर्जुन के साथ होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण के सामने अर्जुन ऐसे ही अस्त्र शस्त्र के सामने लड़ता रहेगा तो कर्ण उसे जीतने नहीं देगा, क्योंकि जितना बड़ा धनुर्धारी अर्जुन था उससे कहीं ज़्यादा धनुर्धारी कर्ण भी था। जब कर्ण के उत्तर जीवन में जब कर्ण धनुर्विद्या किसके साथ प्राप्त करता है? अपना गुरु परशुराम के साथ। जब एक दिन की बात है, परशुराम जी सो रहे होते हैं, कर्ण उसके पैर दबा रहा होता है, तब एक बिच्छू आकर कर्ण को काटता है, लेकिन कर्ण गुरु जी की निंदा भ्रम न हो, बराबर, भंग न हो, इसलिए वो लेता ही रहता है और वो कष्ट सहन कर लेता है। जब लहू बहता बहता परशुराम जी के पास चला जाता है, परशुराम देखते हैं कि इतनी सहन शक्ति तो केवल क्षत्रिय में ही होती है, और परशुराम ने तो तय किया था कि मैं केवल एक ब्राह्मण को ही अपनी विद्या सिखाऊंगा, अपना शिष्य बनाऊंगा। तब परशुराम जी उसे श्राप देते हैं कि तूने मुझे झूठ बोला है, तूने मुझसे छल से मेरे विद्याभ्यास प्राप्त की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तुझे इन विद्याभ्यास इन अस्त्र शस्त्रों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब सब तू भूल जाएगा। तो महाभारत के युद्ध में ऐसा ही होता है, जब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ कर्ण के सामने होते हैं, जब कर्ण को सारे अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है तब वो उसे भूल जाता है और उसका पहिया एक गड्ढे में गिर जाता है। तब वो अपनी रथ पे से उतरकर अपना पहिया निकालने के लिए नीचे आता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू शस्त्र चला, अगर तूने अभी कर्ण को नहीं मारा तो कर्ण को तू कभी नहीं जीत पाएगा। इस तरह अन्याय से कृष्ण भगवान अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध करवाते हैं, और बाद में पता चलता है सब पांडवों को कि ये ज्येष्ठ पुत्र कौन था, उसका एक बड़ा भाई पांडव ही था। तो ये थी कर्ण के जीवन दर्शन की कहानी।